बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब कैसे से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा यूट्यूब चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। दोस्तों आज का हमारा ये मसला है जी, GD 110 बाइक आई है मेरे पास। तो ये बाइक जो सुबह स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है कि सुबह स्टार्ट नहीं होती, तो इस आजकल जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि आजकल सर्दी है तो ये दो माह आपकी गाड़ी चौक पर इस्तेमाल होगी, लेकिन इनकी चौक जो है वो जाम है। तो आज मैं आपको इसकी चौक को रवाना करने का तरीका बताऊंगा। वैसे तो इसकी केबल जो है तकरीबन 800-900 रुपये की केबल है, तरीका बताऊंगा जी। ये आप सबसे पहले तो चारों वाले पेज के से इसकी चौक को नीचे से खोल लें। नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादा जो है ना गाड़ियों के चौक के पिस्टन जो है वो नीचे से फंसे होते हैं, तो उन अगर आपको गौर करेंगे तो इसके अंदर से पिस्टन इसका बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, तो इसको ही हमने जो है वो संभाल में लाना है। इसको ऊपर से खोलना है, तो ये WD-40, इससे आप इसकी केबल को जो है वो नरम भी कर सकते हैं और इसका जो पिस्टन नीचे से फंसा हुआ है उसको हम WD-40 दिया है, तो उसके बाद आप एक पेचकस की मदद से इसके पिस्टन को घुमा लें जो हमारा अंदर से जाम था। और ये आपको मैंने बताया था कि मैंने ये पहले WD-40 स्प्रे में दिया था, तो उससे अब पिस्टन इसका नरम हो गया है। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों इसके पिस्टन का क्या हाल है, और इसको अब हम जाके साफ करेंगे। तो हमारी गाड़ी का ये इसका चौक का पिस्टन बाइट आ चुका हुआ है, इसको आप हल्की सी ग्रीस लगा लें। ग्रीस लगाने का ये फायदा होगा कि आपका ये दोबारा पिस्टन जो है ना चीज नहीं होगा, यहाँ कह लेंगे फंसेगा नहीं दोबारा। उसके बाद इसको आप देखेंगे, आप इस गाड़ी का चौक जो है वो इस्तेमाल वर्क में आ गई है, और इसको हम इसमें अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको इसका पिस्टन अब मूव करता हुआ नज़र आएगा, और पिस्टन अब इसका मूव करना शुरू हो गया है। और अब हम इसके चौक को जो है वो फिट कर देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल गाड़ियों में जो है वो चौक का बहुत ज़्यादा मसला है, गाड़ियाँ सुबह स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, तो ये उसी चीज़ के लिए वीडियो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम हो तो आप इस तरीके से इसकी चौक को रवाना कर सकते हैं, नहीं तो आप लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी इसकी केबल डलेगी, इसकी केबल चेंज होगी, लेकिन मसला आपका नीचे से ये होता है कि आपकी जो है इसका पिस्टन जो है वो नीचे से सीज होता है। और तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो थी आपको पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।